केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखे जाने पर हो रहे विवाद पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश का नाम अतीत से भारत ही है, फिर विरोध किस बात का? जब इंडिया रखा गया तब कोई विरोध नहीं हुआ, अब क्यों? सिंधिया ने कहा कि मातृभूमि के नाम पर किसी के द्वारा विरोध करना यह देश का दुर्भाग्य है। इसके साथ ही उन्होंने सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी के इंटरव्यू सहित कांग्रेस के कई मुद्दों पर निशाना साधा। बता दें कि सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे हैं, जहां वे जनता से पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हमारी ये भूमि अतीत से भारत के नाम से जाना जाता था, और विरोधाभास किस बात की? जब इंडिया का नाम रखा गया था तब तो विरोधाभास नहीं था, भारत का नाम रखा जा रहा है तो विरोधाभास है। हमारे देश में सदैव सभी पक्ष, सभी सोच, सभी विचारधारा को समेट कर हम लोग आगे चलने की एक प्रथा रही, और मातृभूमि के नाम पर किसी के द्वारा विरोधाभास का स्वर उठाया जाए, मैं मानता हूं कि ये देश हित में भी नहीं होगा। और जिस दल ने सदैव महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी को की हो, उनको नीचे दिखाने का कार्य किया, उस दल के विरुद्ध भी जनता अपना पूर्ण स्पष्टीकरण और अपनी पूर्ण सोच इस चुनाव में उजागर करेगी। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर, मैं तो कहूंगा, प्रहार किया है, आज इस चुनाव में मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की 4.5 करोड़ महिलाएं भी जवाब कांग्रेस पार्टी को देंगी।